Hey guys, so we are in the Vagator beach and we are enjoying the sea here today morning. So aaj jo hai Goa ka last day hai aur kal fir hame ride karna hai. Parso se depression day shuru, kaam shuru. So aaj ka aakhri din hai enjoy karne ka. Kal ka pura din to ride mein chala jayega. But yeah, it's really wonderful here aur bahut acha lag raha hai. एंड बीच पे अभी मॉर्निंग में अभी ज़्यादा लोग नहीं है. इट्स अराउंड 10:30 ज़्यादा लोग नहीं है. एंड गोवा में भी इस बार थोड़े लोग कम ही है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, बट धीरे धीरे टूरिस्ट आ रहे हैं. बाय दिसंबर मुझे लगता है काफ़ी लोग और आएंगे, बट अभी जो है माहौल ठीक है और सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं यहाँ पे गोवा में. एंड सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर चेकिंग हर जगह पे है. और अभी मैं एक्चुअली यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा था और फिर ये शायद बीच वाले कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे पूछा आपके पास परमिशन है क्या. मैंने बोला परमिशन की क्या ज़रूरत है, अगर परमिशन नहीं होता तो हमारे ड्रोन के ऐप में भी नहीं दिखाता. जैसे परसों जब मैं चपोरा फोर्ट गया था तो वहाँ पर ड्रोन उड़ा ही नहीं क्योंकि परमिशन ही नहीं था वहाँ पर. एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे इस बार गोवा में फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा कम है और इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा है, तो प्रोबेबली ड्यू टू द पेंडेमिक ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया. तो ये एक चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस की यहाँ पे. और वेदर एकदम भी ह्यूमिड नहीं है और ठंडी तो है नहीं, तो इट्स ओके और अच्छा है क्लाइमेट स्पेशली फॉर मुंबई का. इट्स गुड. डायरेक्ट इसके रूम पे जाएंगे नहाते वाते, फिर देखते क्या करने के. अभी हम लोग जा रहे हैं पैरा सेलिंग. चला मोरजिम बीच वाइट वाला ओनर था. हाँ क्या व्हीकल क्या पूछ रहा था. अच्छा बाइक्स का हाँ बोल लेंगे. बोलते चलाते हम तो उड़ाते. हाँ वो ओनर पूछ रहा था इसको ले जाओ क्या आप चलाते हो क्या सुपर बाइक. तो बोले कि नहीं मैं पिलियन हूँ ऐसा कुछ. रस्ते का माल सस्ते में एक्स और एमटी स्कॉर्पियन बोलो रस्ते का माल सस्ते में. तो ये है हमारा जुगाड़ हेलमेट लगाने का, थैंक्स टू डेकेथलॉन एंड आवर बाइक्स. ये जो है ना इसका क्या हो गया, लेवल हो गया ना. हाँ टायर खत्म. गाइस हम हैं मोजिम बीच पे और यहाँ आए हैं घूमने. मोजिम बीच का नज़ारा और बीच पूरा खाली है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे और पानी भी थोड़ा सा दूर है आज. एंड वहाँ पे है थोड़े बहुत शैक्स और वहाँ पे है कुछ सेटअप, जेसीबी सीमेंट फैक्ट्री, जेसीबी यहाँ पे जेसीबी की खुदाई हो रही है मोरजिम बीच पे और उससे अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई जा रही है. वो देखिए नवी मुंबई और ये देखिए कांजूर मार्ग घाटकोपर. ओके घाटकोपर मैं ये बना रही हूँ. क्या शिवलिंग? नहीं वो स्नो वाला इग्लू. अभी तक जितना ये बीच घूमा है ना सबसे सिक्लूडेड, मतलब थोड़ा सा सबसे कम खाली ये मोरजिम बीच ही है ना. इसके अलावा एक बटरफ्लाई बीच है वो और भी खाली.
हाँ अभी बटरफ्लाई बीच जाने का टाइम किधर है, मतलब लोग भी काफी है। मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से एकदम डेवलप नहीं हुआ है यहाँ के जो बीच के जो एरियाज है ना, मतलब कम लाइवलीनेस है। मतलब इस तरीके से स्नोमैन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। किसी का तो गुफा है ये, किसका? निकल बाहर, ड्रोन शॉट। अंकल आंटी क्या कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू गेट सम शेल्स। गाइस अगर देखोगे तो यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है क्लाउड्स का, पूरा रिफ्लेक्शन है। आज का दिन है हमारा मोरजिम बीच पे, और ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे, एंड इसके बाद पता नहीं आगे का प्लान क्या है, विल कीप यू अपडेटेड। बट शायद हम आरम बोल जा सकते हैं, और जिस होटल में हमने खाना खाया बहुत अच्छा था आज, गोवन, क्या नाम था, गोवन समथिंग था। तो अभी तक का तुम्हारा सबसे फेवरेट बीच कौन सा है? यही है वो बहुत आइसोलेटेड है, चलो। खाली है, थोड़ा शांत से बैठना हो तो यहीं पे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अच्छा बीच है ये, COVID-19 पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम लोग यहाँ पे आते हैं कंपेयर टू बाकी जो फेमस बीचेस हैं। Last day in Goa, so we are leaving right now. So it's like 4:00 in the morning, and it will take again 12 hours for us to reach Mumbai. So around शाम के 4 बजे हम मुंबई पहुँचेंगे। अभी हम तैयारी कर रहे हैं पैकिंग, सारे पैकिंग तो कल कर लिए थे, बट कुछ चीज़ें बची हैं जो अभी हमें बैग में रखनी है और बाइक पर लोड करनी है।
आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुंबई में जो COVID-19 के जो डायरेक्टिव्स दिए गए थे अभी वो रोड पे एप्लीकेबल है कि नहीं है वो मैं पता नहीं है। एंड हमने ऑनलाइन और टीवी पे चेक किया तो ऐसे कोई इश्यूज नहीं है और आते वक्त भी कोई इश्यूज नहीं लग रहा था, बट वी डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है आगे। एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड एंड आपको सारी खबर या अपडेट्स मैं देता हूँ, सो दैट इट विल हेल्प यू व्हेन यू ट्रैवल टू गोवा एंड यू कम बैक। ठीक है, जाने का मन तो नहीं है, आई फेल्ट लाइक स्टेइंग वन और टू डेज मोर, बट क्या करें, वी हैव टू गेट बैक टू आवर न्यू नॉर्मल और घर जाना पड़ेगा। और ठीक है गाइस, सो आई विल सी यू ऑन द बाइक, लेट्स गो। सेट टू लीव, सबके बैग्स पैक हो चुके हैं, योगा खड़ी देख रही है कब हम निकले। ये हमारा अपार्टमेंट, काफी अच्छा था और बहुत सारी पार्किंग। गुड बाय गोवा, और टाइंग बैग आ चुका है मेरे गोद में। और यार चाकते फटे ना फटे गिर ली, सुबह जलंधर शाम दिल्ली। वी हैव रीच निपानी एंड हमने सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज मुझे भी प्रेशर आई है, लीजा को भी वॉशरूम जाना था एंड फिर यहाँ पे चाय कॉफ़ी पी के एंड थोड़ा सा कुछ लाइट खा के निकल जाते हैं। बाकी लोग जो है वो ऑलरेडी आगे निकल गए हैं, तो क्योंकि अपने कारण अलग है तो लेट्स वेट एंड वो लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, देन आई विल जॉइन देम लेटर। और वेदर इज़ लाइक वेरी गुड एंड अभी मैं जस्ट निपानी के लेफ्ट टर्न के पास हूँ जहाँ गोवा बेस है, तो गोवा बेस इज़ करेंटली नॉट वर्किंग और यहाँ पे होटल कावेरी है जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ। सो फटक से ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वी हैव डन अराउंड 170 किलोमीटर्स एंड मोर अराउंड 400 किलोमीटर्स टू गो। सो गाइस, बैग में थोड़ा सा इशू हो गया था, बैग बार बार जो है आगे जा रहा था और लीजा मेरे ऊपर बैठ रही थी, तो अभी मैंने सॉर्ट कर लिया है, होपफुली अभी ये स्टेबल है। या बहुत इशू हो रहा था तो फिर सोचा हम लोग ने कि वेट करके कर लेते हैं ताकि आगे इशू ना हो। एंड हम थे यहाँ होटल कावेरी में और डोसा और उत्तपम खाया, चाय पिया एंड वी आर गोइंग बैक। अभी अपना टोटल है 427 किलोमीटर्स बचा है, 200 माइनस करते हैं उसमें पुणे का, तो 227 किलोमीटर्स पुणे पहुंचने के लिए ना, पुणे पहुंचने के लिए 227 किलोमीटर
ढाई घंटे में कंप्लीट करता हूँ, मतलब 11:30 बजे तक। हमारी रिटर्न जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है और हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आया। बॉर्डर पे किसी भी तरीके का चेकअप या कोविड टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो इट वाज ऑल स्मूथ। सो गाइस, आफ्टर 10 आवर ऑफ राइडिंग कंटिन्यूसली, नाउ वी आर इन घाटकोपर ईस्ट एंड हैविंग ऑर्डर्ड सैंडविच एंड जूस, एंड ऐसा लगा राइड करके। इट वॉज वेरी नाइस। और आते वक्त हम लोग जल्दी आ गए, जाते वक्त थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, तो आते वक्त नॉन स्टॉप आए। तो अभी जूस पियेंगे, सैंडविच खाएंगे और सीधा घर। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बटन इज़ ओवर हियर। यस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट राइड, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, राइड सेफ। So this is the end of the Goa series. So अगर आपको ये series अच्छा लगा, so please subscribe to the channel and follow me in Instagram and Facebook.